सलार मूवी रिलीज हो चुकी है और इस मूवी का प्लॉट थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है जिसको एक्सप्लेन करना बहुत ज्यादा जरूरी है। और जो इस मूवी का सेकंड पार्ट होने वाला है जिसका नाम है सलार शौर्य पर्वम, उसका मतलब है क्या और क्यों प्रभास की बॉडी आखिरी में नीले रंग की हो जाती है, ये सारी चीजें और इस मूवी की एंडिंग को एक्सप्लेन करूंगा, तो वीडियो को एंड तक जरूर देखना। तो सबसे पहले ये देखते हैं कि इस मूवी के अगले पार्ट में क्या होने वाला है और क्यों प्रभास और पृथ्वीराज यानी कि सलार और वरदराजा मन्नर जो कि बचपन से ही इतने ज्यादा अच्छे दोस्त थे वो अगले पार्ट के लिए कट्टर दुश्मन कैसे बन जाते हैं। तो मूवी में हमने देखा कि एक जगह होती है जिसका नाम होता है सिटी ऑफ खानसार, जहाँ पे कई तरह के कबीले के लोग रहते हैं और जिन लोगों का इस खानसार सिटी पर राज रहता है उनका सरनेम होता है मन्नार। लेकिन वहाँ के सारे कबीले के लोग मिलकर एक रूल बनाते हैं कि राजा के साथ हर एक दूसरे कबीले से एक रिप्रेजेंटेटिव यानी कि एक सरदार राज दरबार में बैठेगा और वहाँ पर रोटेशन पॉलिसी चलेगी जिससे कि हर एक कबीले के रिप्रेजेंटेटिव को राजा बनने का मौका मिले। अब होता क्या है कि जैसे ही मन्नार मरता है उसके बेटे जिसका नाम राजा मन्नार होता है उसको पता चल जाता है कि रोटेशन पॉलिसी की वजह से अब उसको राजगद्दी नहीं मिलेगी और उसकी जगह किसी और दूसरे कबीले के रिप्रेजेंटेटिव को राजा बना दिया जाएगा और जिस सरदार का राजा बनने का टर्न था वो शौर्यंगा समुदाय का सरदार होता है। अब क्योंकि राजा मन्नार पावर और गद्दी चाहता था इसलिए वो शौर्यंगा के सरदार को मार देता है और खुद राजा बन जाता है और वो उसके लोगों को आदेश देता है कि वो सारे शौर्यंगा समुदाय के लोगों को मार दे जिससे कि कोई भी शौर्यंगा प्रोटेस्ट न कर पाए और कोई भी शौर्यंगा समुदाय से बचे ही ना राजा बनने के लिए। उसके लोग उसके आदेश का पालन करते हैं और शौर्यंगा समुदाय में जाके सभी लोगों को मार देते हैं। फिर राजा मन्नार उसका राज्य सक्सेसफुली चला रहा होता है और इसी बीच उसका बेटा भी पैदा हो जाता है जिसका नाम होता है वर्धा राजा मन्नार। अब ये जो मन्नार फैमिली के लोग होते थे वो उनकी नाक में एक नथ पहना करते थे और इसलिए जब एक दिन कुछ लोग वर्धा की नाक की ये नथ उससे छीन लेते हैं तभी वहाँ पर उसकी हम उम्र का एक लड़का आता है उसे बचाने के लिए और उसकी नथ उसको वापस दिलाता है। इस बच्चे का नाम होता है देवरथा जिसको आगे टाइटल मिलता है सलार। और जब एक बार कुछ लोग देवरथा की माँ को छेड़ रहे होते हैं तो वहाँ पर वर्धा आता है और उसकी माँ को बचा लेता है जिसके लिए वो उसके हाथ में से एक कड़ा निकाल के उस दरिंदे को दे देता है जिसका सिम्बोलिक मीनिंग ये था कि वो कड़ा जिसके पास भी होगा वो एक कबीले का राजा बन जाएगा। तो बेसिकली वर्ध राजा मन्नार ने एक पूरा का पूरा कबीला दे दिया देवरथा की माँ को बचाने के लिए। इन दोनों इंसिडेंट्स की वजह से वर्धा और देवरथा में बहुत ही ज्यादा गहरी दोस्ती हो जाती है और फिर दोनों अपने अपने रास्ते निकल जाते हैं और कहानी आगे बढ़ती है। वर्धा को राजा मन्नार यानी कि उसके पिता उसके साम्राज्य से निकाल देते हैं क्योंकि उसने ये कड़ा यानी कि पूरा का पूरा समुदाय किसी को दे दिया था। लेकिन फिर जब वो बड़ा होता है तो राजा मन्नार उसको वापस उसके राज में बुला लेते हैं जिससे कि वो राजगद्दी पर बैठ सके और इस बीच खुद राजा मन्नार छुट्टी पर निकल जाते हैं। अब वर्धा राजा मन्नार की जब गद्दी पर बैठने की बारी आई तो फिर से सबने विरोध कर दिया और बाकी सब सरदार ने एक साजिश रचाई जिसमें वो वर्धा को मारने का प्लान बनाते हैं जिससे कि वो पूरे के पूरे मन्नार समुदाय के राज्य को समाप्त कर सकें। अब इन सबसे निपटने के लिए वर्धा प्रभास यानी कि सलार को खानसार में बुला लेता है। फिर सलार वर्धा की रक्षा करने लगता है जिसमें थोड़ी लड़ाई वगैरह भी होती है। लेकिन फिर जब राजा मन्नार वापस लौट रहे होते हैं तो वो एक इंसान को पकड़ते हैं जो कि खानसार में सारे सरदारों को एक दूसरे से लड़वाने का काम कर रहा होता है। पकड़े जाने पर वो आदमी राजा मन्नार को बताता है कि वो शौर्यंगा समुदाय का है और जब राजा मन्नार ने उनके आदमियों को भेजा था सारे शौर्यंगा समुदाय के लोगों को मारने के लिए तब सभी बड़े लोगों ने बच्चों को एक गटर में कैद कर दिया था जिससे कि वो सभी बच्चे बच पाए और अब 25 साल बाद जब वो बच्चे बड़े हो गए हैं तो उनमें से एक जो सबसे ताकतवर शौर्यंगा है वो है सलार यानी कि प्रभास। और जिस शौर्यंगा सरदार को राजा मन्नार ने 25 साल पहले मारा था उन्हीं का बेटा है सलार और गद्दी का असली हकदार और खानसार का राजा वही है। इसलिए अब हमें अगले पार्ट में दिखाया जाएगा कि वर्धा राजा मन्नार जो कि खानसार पर राज करना चाहता है वो प्रभास यानी कि सलार को किस तरह से रोकेगा क्योंकि अब बेसिकली सलार उसका दुश्मन बन चुका है और इसीलिए हमें अगले पार्ट में इन दोनों की लड़ाई देखने को मिलेगी। और शौर्यंगा पर्वम का लिटरल मीनिंग भी यही है कि अब शौर्यंगा समुदाय के लोगों के अच्छे दिन आने वाले हैं। जो धोखा मन्नार फैमिली ने 25 साल पहले किया था उसका बदला अब सलार लेगा अगले पार्ट में। अब आखिरी में एक क्वेश्चन ये बचता है कि क्यों प्रभास आखिरी में अवतार बनने लगता है, मतलब उसकी बॉडी क्यों नीले रंग से रंगने लगती है। देखो इस चीज का सॉलिड एक्सप्लेनेशन तो पूरी मूवी में कहीं भी नहीं दिया लेकिन हो सकता है कि ये शौर्यंगा समुदाय के लोगों को सिग्निफाई करने के लिए दिखाया गया हो क्योंकि जिन्हें शौर्यंगा समुदाय के लोग भगवान मानते हैं वो भी नीले रंग से ही रंगे हुए हैं और सारे शौर्यंगा समुदाय के लोगों के लिए सलार एक मसीहा की तरह है जो कि उन्हें उनका न्याय वापस दिलाएगा। आई होप कि तुम्हें वीडियो पसंद आई हो, एक लाइक जरूर कर देना वीडियो पे और ये वाली वीडियो देख सकते हो जिसमें मैंने डंकी की पूरी स्टोरी को एक्सप्लेन किया हुआ है। और तब तक के लिए देखते रहिए सुपर नेस्ट।